शिमला के ढली में सुबह 8 बजे के करीब सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं, जिनका IGMC में शिमला में उपचार चल रहा है। सेब से लदा ट्रक रामपुर से शिमला की तरफ जा रहा था और जब ढली बाईपास के पास पहुंचा तो अचानक अनियंत्रित हो गया और दूसरी तरफ से जा रही पिकअप को टक्कर मारते हुए ट्रक रोड से निचली तरफ शिमला करसोग रोड पर जा गिरा, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। DSP अजय भारद्वाज ने बताया कि फिलहाल यातायात को खोल दिया गया है और ट्रक में चालक समेत 3 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि ट्रक चालक घायल है, जिसका IGMC में उपचार चल रहा है। वहीं पिकअप चालक भी बुरी तरह से घायल हुआ है, उसे भी IGMC उपचार के लिए भेजा गया है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच चल रही है। एनस्टार न्यूज के लिए शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। पौने 8 बजे एक्सीडेंट हुआ, पिकअप गाड़ी में एक आदमी था और बड़ी गाड़ी में इसमें ट्रक में 3 बंदे थे। आपको कैसे पता? मैं यहाँ चौक पर खड़ा था, पीछे मैं इस गाड़ी में चंडीगढ़ से बैठ के आया था, पिकअप गाड़ी में। अच्छा, पिकअप में आप खुद बैठते हैं? हाँ जी, मेरे को पिकअप गाड़ी के ड्राइवर का मालूम है, ये यहाँ सोगी के पास का रहने वाला है। कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहे थे ये? मणि माजरे चंडीगढ़ से लोड करके आए थे और ठीक हो जा रहे थे खाली करने के लिए। जी सर जी, मेरे को तो एक बंदे का तो मौके का पता है कि एक बंदा मौके मर गया है, एक थोड़ा सीरियस था, बाकी पिकअप वाले का चोट है, लेकिन वो चले आया अपने आप, मालूम नहीं है सर जी।